तमाम रेगार्ड फ्रेंड्स को वजे सोमसे गार्ड में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गार्ड फ्रेंड्स, मेरे घर के शहर में इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में जो प्लांट देख रहे हैं, ये ड्राइसिनिया का ये प्लांट है। और आज कल ड्राइसिनिया के इस प्लांट पे ये देखें आप, ड्राइसिनिया कौड़ी लाइन पे खूबसूरत प्यारे प्यारे से ये आजकल ये है, ये फ्लावर्स हैं, ये खिलने का सिलसिला शुरू है। जैसा कि आप देख रही हैं, दिसंबर का इस वक्त महीने का, विंटर के महीने का एंडिंग है और इस वक्त मेरे ड्राइसिनिया के ये प्लांट पे है। आप ये मल्टी मल्टी कलर के खूबसूरत प्यारे प्यारे से ये फ्लावर्स हैं आपको खिलते नजर आ रहे हैं आप। और नॉर्मली इस प्लांट की हाइट है, मेरी हाइट से भी नॉर्मली ज़्यादा है। मेरी हाइट तकरीबन को 5 फुट 10 इंच है और नॉर्मली इसकी जो हाइट है एटलीस्ट है ये 6 फुट तक है ये हाइट है। और ये कहाँ मेरे घर के शहर में लगा हुआ है, कितनी देर बाद है इनमें ये फ्लावर्स आए हैं। मेरे घर पर ये मेरे घर में ये अमरूदों का ये दरख्त है, जैसा आप देख रहे हैं। एक अमरूद का दरख्त ये है, रेड कलर के लगते हैं, एक वाइट में है। इसकी हार्ड प्रूनिंग हो गया लेकिन इसका भी नई ब्रांचेस नहीं निकली। और नॉर्मली इसकी जो हाइट है, यहाँ जहाँ अमरूदों के ये दरख्त ख़त्म हो रहा है, या ये 6 फुट तक नॉर्मली इसकी हाइट बनती है। और अगर मैं नीचे थोड़ा सा कैमरा ये क्लोज करूँ तो ये नीचे है, यहाँ से ये सीमट के पॉट में, जहाँ फॉर एग्जाम्पल है अमरूदों के जहाँ दरख्त लगे हुए हैं वहाँ ये आगे सीमट का पॉट है, सीमट के पॉट में है ये ड्राइसिनिया कॉर्डिलाइन का ये प्लांट लगा हुआ है। यहाँ से इसकी हाइट है ऊपर तक गई है। और आज तकरीबन 2 साल के बाद नॉर्मली जब इतनी 6 फुट के करीब हाइट हुई है तो उसमें ये अब ये फ्लावर्स है, ये उससे प्यारे प्यारे से ही मल्टी कलर के फ्लावर्स हैं, खिलने का सिलसिला शुरू है। और नॉर्मली हर साल ये फ्लावर्स लगते हैं, डिपेंड करता है कि आपके प्लांट की हाइट कितनी है, कितना वो ओल्ड प्लांट है। जितना ही ओल्ड प्लांट होगा उसमें हर साल है, ड्राइसिनिया पे है चाहे जो भी वैरायटी हो उस पर फ्लावर्स लगेंगे। और बहुत इजीली कटिंग के जरिए लग जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर इसकी जो कटिंग है इससे पहले है, इसमें ये जो कटिंग है ये देखें, यहाँ से साइड की ये ब्रांचेस है, ये यहाँ से 2 ब्रांचें निकली थी, एक मैंने अपने सीड शॉप के लिए रखी थी, दूसरी अब ये फर्दर और ये ड्राइसिनिया की ये ब्रांच यहाँ से नीचे निकल रही है। यहाँ से मैं ऐसे अगर कट ऑफ करूँगा इस ब्रांच को तो नॉर्मली ये एक और ये पौधा है, इजीली तैयार हो जाता है। ये फ्लावर आने से पहले पहले इसके साइड से ब्रांचेस भी निकलती हैं और इजीली आप कटिंग के जरिए इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर इसे भी कट ऑफ मैं करूँगा तो इसे भी आगे फर्दर नई ब्रांचेस निकलेंगी और आगे है इसमें मल्टीपल ये प्लांट्स हैं। इसकी जो हाइट है अगर मैं कम करना चाहूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लावर्स नहीं मैंने लेने होंगे तो मैं इसे कट ऑफ करूँगा और साइड से ब्रांचेस निकलेंगी और आगे फर्दर ये प्लांट है ग्रोथ करेगा। तो मेरे घर पर ये थोड़ी सी आज की वीडियो थी अपने गार्डन में लगे हुए ड्राइसिनिया के, ना कि प्लांट के हवाले से, और भी फर्दर मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं लेकिन फिर इधर खूबसूरत प्यारे से फ्लावर्स खिलने का सिलसिला शुरू था। तो मैंने कहा आपने देखने चाहने वालों को नहीं शेयर आउट किया जाए। बाय फ्रॉम वाजेश सुमसिंगार।